जी हूँ सर। एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष सर का रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? मैंने मेरे को एलिगन डॉक्टर आशुतोष का रेफरेंस मेरे को मेरे फ्रेंड से मिला। ओके, अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसी लगी? अच्छी लगी सर। डॉक्टर आशुतोष सर का जो रेफरेंस मिला तो उसके रिगार्डिंग आपने हेड हस्बैंड की अपॉइंटमेंट ली थी, तो टेलीफोन से लिया फिर या फिर कुछ और रेफरेंस? टेलीफोन से लिया सर, और मेरे अपॉइंटमेंट मैं टेलीफोन से लिया, और टेलीफोन नंबर मेरे को मेरे फ्रेंड है तुषार करके, उसने यहाँ से ट्रांसफर किया था, तो उसके पास मेरे को नंबर मिला, भरगव सर का नंबर मिला, और उससे मेरे फोन पे बातचीत हुई थी। अपने हेड ट्रांसप्लांट के लिए कहीं और कंसल्टिंग किया था? हाँ किया था, नासिक में किया था सर। ओके, वहाँ का कंसल्टिंग कैसा रहा था? वहाँ का कंसल्टिंग डॉक्टर के पास में गया नासिक को, तो नासिक को डॉक्टर के मेरे सब बताए, मैंने मेरा 6 महीने पहले बात हो गई थी डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर बोले आ जाना, बोले एक बार मिलने ना तुम, जैसे ही मैं 6 महीने के बाद मैं पैसे इकट्ठा किया और मिलने गया, तो डॉक्टर ने मेरे को लगभग 80-90 हजार रुपये बोले थे हेयर ट्रांसफर के लिए। उसने बोला 3-3.5 हजार ग्राफ्स ऐसे कुछ लगने वाले थे। उसने फिर मैं डॉक्टर ने को बोला कि भाई मेरा इतना बजट नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कम होगा क्या, ऐसा वैसा कुछ बोला उनको, तो बोला नहीं, बोले ये मेरा स्टाफ को खर्चा देना पड़ता है, बोले मेरे को इतना खर्चा लगता है उतना खर्चा लगता है, तो इससे कुछ कम नहीं होगा बोले। इसके वहां से मैं रिटर्न आ गया उनको, मैं बोला था लास्ट फाइनल 50-60 तक, उसने नहीं माना और वहां से मैं रिटर्न आ गया। फिर आपको एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष का कंसल्टिंग कैसा लगा? एकदम अच्छा लगा। कंसल्टिंग में क्या हुआ था, आपकी सब क्वेरी जो भी थी वो सॉल्व हो चुकी थी? हाँ सॉल्व हो चुकी थी मेरे को। ओके, फिर कंसल्टिंग कैसे हुआ, हेयर ट्रांसप्लांट का आपको समझाया गया था, ट्रीटमेंट वो कैसा रहा? हाँ पूरे मेरे को भार्गव सर ने पूरे बता दिया था, कंसल्टिंग के बारे में हेयर ट्रांसफर के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए FUT, FUE, रोबोटिक वो सब कुछ समझाया गया? हाँ सब कुछ समझाया गया था, लेकिन मैंने FUT सर्जरी करने को बोला। ओके, उनमें से आपने जो FUT सजेस्ट किया तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहोगे, मतलब कैसा रहा सर्जरी? हाँ सर्जरी तो बहुत अच्छा रहा, सर्जरी में कोई मेरे को तकलीफ नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट नहीं सर्जरी के, मेरे को अभी 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद मेरे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई तास नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओके, ऑपरेशन के पहले जो केयर लेने के लिए यहाँ से बताया गया था क्या आपको? हाँ बताया गया था, पूरे केयर लेने के लिए बताया गया था। ओके, ऑपरेशन दिन और ऑपरेशन दिन के बाद आपको कैसा फीलिंग है? एकदम बेटर, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा हेयर ट्रांसफर हो रही है, मेरा हेयर ट्रांसफर करने का मतलब मेरे शादी नहीं हुई अब तक, तो मेरे को 2-3 जगह में लड़की देखने गया था, तो ये मेरे बाल की वजह से रिजेक्ट कर दिया था मेरे को, इसके वजह मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ऑपरेशन के बाद जो केयर लेने के लिए जैसे आपको यहाँ से समझाया गया था, ऑपरेशन के बाद कुछ केयर लेने के लिए आपको यहाँ से समझाया गया था? हाँ समझाया गया था, पूरे केयर लेने के लिए समझाया गया था। ओके, ऑपरेशन के बाद जैसे वो हेड ट्रांसप्लांट के दिन का जो माहौल था वो कैसा लग रहा था? वो तो पूरा अच्छा लग रहा था, डॉक्टर साहब ने पूरे हमारे मुझे मेरे को पूरे समझ लिया, और मौत तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जितने भी स्टाफ थे वो मेरे फ्रेंड और भाई जैसे ही बन गए थे, बहुत अच्छा मौत था। आपको ऑपरेशन के पहले जितने ग्राफ बताए गए थे जैसे 3,000 बताए गए थे, तो उतने ही ग्राफ डाले गए थे यहाँ से? 3,000 ग्राफ तो बताया गया था, लेकिन थोड़े ग्राफ ज्यादा डाल दिए, लगभग डॉक्टर साहब ने मेरे को 38 से ग्राफ्स के बारे में बताया था, तो 800 ग्राफ्स ज्यादा डाल दिए डॉक्टर साहब ने। ऑपरेशन के बाद जैसे डिस्चार्ज यहाँ से लेकर गए थे, तो आपको यहाँ से कैसे केयर ली गई थी? हाँ केयर ली गई थी, वो मेरे को पता गया था, और फोन भी आए थे क्लिनिक से, अपने भरगव सर से का भी आया था, और क्लिनिक से भी आया था, फोन आया था उन्हें कि कैसे लग रहा है, बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई साइड इफेक्ट, कोई तकलीफ, कोई त्रास ऐसे पूछ रहे थे मेरे को, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। ओके, ऑपरेशन के बाद आपने जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो प्लान किया था वो सही था क्या? हाँ वो तो सही था। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर आशुतोष का नेचर, स्टाफ का नेचर, यहाँ का एनवायरमेंट आपको कैसा लगा? एकदम अच्छा लगा, सब मेरे को फ्रेंड जैसे ही लगे, सब अच्छे से, उनका स्वभाव सबका अच्छा ही है, सब अच्छे से लगे। ओके, आप हमारी क्लिनिक एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष सर के यहाँ पे 24 स्टाफ है, उसमें और कुछ सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव देना चाहोगे?
कोई नहीं, वो तो सब बराबर है, सर्जरी भी टाइम पे हुई है, जैसे मेरे को बोला गया था वैसे ही हुआ, कोई नहीं, सब ठीक है, सब क्लियर है, बराबर है। डॉक्टर आशुतोष सर, वैसे कॉस्मेटिक सर्जरी में जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया और बहुत सारे लेजर ट्रीटमेंट्स वैसे करते हैं, तो आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को ये ट्रीटमेंट्स में से किसी को करना चाहते हैं तो आप यहाँ के लिए प्रीफर करोगे? हाँ करूँगा, प्रिफर करूँगा, बिल्कुल करूँगा, मेरे मामा का है, मेरे मामा का करना है, बिल्कुल करूँगा मैं। और आप डॉक्टर आशुतोष साइलिगस क्लिनिक को आप कितना, 5 स्टार में से कितना देना चाहोगे? ओके मेरे ख्याल से मैं 5 में से तो 5 पूरा ही देना चाहूंगा। ओके थैंक यू। ओके।